बैठक पर पढ़ला द्वंद्व भिन्न भिन्न कथ कहे परिवहन मंत्री बस मालिक संघ एपटे बस धर्मघटर प्रथम दिन में सारा राज्य आसला जात्री हंतसंतर विकल चित्र रोगी छात्र छात्री समस्त भोगिले दुर्दशा सरकारी बस और रेल स्टेशन में नाई ना भिड़ पूजा बेले बस बंद सरकार को घेरिले विरोधी कहे समाधान पर ना सरकार का आंतरिकता बीजेडी प्रतिक्रिया आलोचना माध्यम से बाहर समाधान बाट सेपटे बिवाद भितर गजपति जिले में गड़ा लक्ष्मी बस शुभारंभ कले मुख्यमंत्री पूजा बेले वर्षा भय बंगोपसागर में सृष्टि लघुचाप 23 तारीख में नहींपार अवपात रूप प्रभाव में उपकूल ओडिशा रे वर्षा आशंका केते परिमाण रे वर्षा हेबो स्पष्ट करना पानीपाग विभाग रथजात्रा बेले खोलिबो रत्नभंडार पुरी गजपति प्रेस विज्ञप्ति को नहीं तेजिला राजनीति बीजेपी कहला रत्नभंडार खोलने रथजात्रा जाए कहीं अपेक्षा कांग्रेस कहला भयभीत हो नि पदक्षेप जवाब रखिला बीजेपी पार्वण में घर जगह पुलिस घर छाड़ी पूजा बुलवा गले करे कौन परामर्श दे कमिशनरेट पुलिस गोटिकिया घर होते जन अनुरोध संप्रक्त अंचल पेट्रोलिंग पूजार अपराध रोकने पुलिस स्वतंत्र अभियान राज्य सरकारी कर्मचारी पूजा भेटी 4% 46% को महंगा भत्ता वृद्धि कले राज्य सरकार उपकृत हे 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी और 3.5 लाख पेंशन भोगी जुलाई 1 रु पिछला भाव हे लागू जमुची पूजार मजा आज पूजा मंडप में षष्ठी चक्षुदान पाए माँ दुर्गा सेपटे कोलकाता दुर्गा पूजा रासर विभिन्न पूजा मंडप में माँ दर्शन पर जमीन श्रद्धा भिड़ दशहरा थीम सजे ट्राम 150 वर्ष होगा ट्राम साजिश यातायातर माध्यम दिन तमाम घर बस सेवा बंद रहापर जो समस्या उपजी तार समाधान प्रयास कर सरकार आज सन्धार परिवहन मंत्री घर बैठक होता हेले बैठक पर आहरी द्वंद्व बढ़ी कारण बैठक बाहर पर भिन्न भिन्न कथा कहते मंत्री और बस मालिक संघर संपादक मंत्री टुकुनी साहू कहते घर बस मालिक संघ सह बैठक सकारात्मक रही लोकों असुविधा को देखि आंदोलन ओहर को राजी होती घर बस मालिक एमतीक पार्वण में सहयोग करने को प्रस्तुत से दाबी संपर्क में मुख्यमंत्री को जणाई दिजाव पुणी आगामी 26 तारीख में बैठक होबले बैठक बाहरी मंत्री भिन्न कथ कहते घर बस मालिक संघर संपादक देवेन्द्र साहू तांकर कहिबा कथा हला आंदोलन प्रत्याहार नहीं कौन निष्पत्ति होना बैठक में जहां आलोचना हला सेने से संघ सहित आलोचना करेंगे एवं परवर्ती निष्पत्ति नहीं गणमाध्यम को सूचना देते अर्थात मंत्री आंदोलन प्रत्याहार नहीं बस संघ राजी होता कहता बेले सीधा सीधा खंडन कर घर बस मालिक संघर साधारण संपादक से माने आम संगे आलोचना करसंदि धर्मघट बंद कर सरकार को सहयोग करेंगे आम आग को केमती आम बसबू से संगे सहयोग करूँ आउ मान्यवर मुख्यमंत्री पाखे आम जहाँ आज आलोचना होती उपस्थापन करूँ आग को 26 तारीख जो आम मीट अच्छी आम से बाबद आलोचना रहा धर्मघट आम स्थगित होनी आम से आलोचना करके सब सब कर केमिति धरि नबा मो ऊपर 75 टा संघ अछंती मु तांग पचार की कहबी नाही तो सफल तो हेनी घरे बस मालिक संघर धर्मघटर प्रभाव सारा राज्य में असंभाल स्थिति ताकु नै देखिबा को मिलिछि विभिन्न स्थान रे बस स्टैंड रु यात्री को दुर्दशार चित्र आसी पूजा छुट्टी किए घर को जीवा को बाहरी छि ताउ के मेडिकल काम रे आसी अधबाटरे अटकी जाइछंती घरे बस चलुनी आ जो किछि सरकारी बस चलछि सेथिरे जो भीड़ पाद देवाक जगह ना सेपटे बस चलुन रेल स्टेशन में भी ना ना भिड़ देखा मिली सरकार और बस मालिकों बिवाद किंतु हंतसंत होती साधारण लोक गोटे पटे पार्वण पाई घरमुहा होती लोके अन्य पटे जरूरी काम गुरुतर रोग से आक्रांत हो किए हॉस्पिटल जीवापी अपेक्षा कर रही तो किए बहुदिन पर घर को फेरुची बस बंद जो बाटर अटकी रही दुर्दशार एभली पुला पुला चित्र सामना को आसी भुवनेश्वर ए दृश्य होउची भुवनेश्वर बरमुंडा बस स्टैंड सरकारी बस आसु आसु एथिरे चढ़ापी लगी प्रतियोगिता बस भितर एत भिड़े ढड़ा होगा जगह ना भुवनेश्वर एम्स को
चिकित्सा पाई आसीथिबा एही महिला भंजनगर जिबा पाई अपेक्षा करिछंती। सरकारी बस रे बाध्य होई तळे बसिबा को पड़िछि। असुविधा होछि आ जिबा पड़ियो ना, हम दूर जाय रही पई असुविधा सेथि जिबा बाध्य। हां हम रात्रे गाडी रे जायथन बस रे। तबे कोन असुविधा? बसिया पई असुविधा होछि। अन्य दिन अपेक्षा आज भुवनेश्वर रो विभिन्न ट्रावेल्स गाड़ी रो चाहिदा बढ़िछि। बस गड़ु नथिबारु लोक माने व्यस्त होई ट्रावेल्स रो गाड़ी नेइछंती। लोक फोन करुछंती कि भाई गोटे गाड़ी दरकार अछि, नयागढ़ रे हमको छाड़ीबार अछि। के फोन करुछि संबलपुर जिबार अछि, के भी राउरकेला जिबार अछि, पुरी भी जिबार अछि। एंती सारा फोन आसुछि। आज त प्राय बहुत सारा कॉल आसी। ए हेउछि जयपुर रो चित्र। बस धर्मघट जो हंतसंत होती यात्री एथिरु बाद पड़ी नहंती कैंसर पीड़ित। कोरापुट कोटपाड़ ब्लॉक कसागुड़ा गाँव बाप झी जयपुर बसस्टाण में फसी रही। सप्ताह को थरे केमो देवा पड़ी। भुवनेश्वर रु केमो नहीं ट्रेन जोगे जयपुर में पहुंची, हेले घर को जाई पारु नहंती। बाहरलु भुवनेश्वर रु केमिति बापा को आनी? हमें 7:30 रे बाहर ट्रेन रु आउ ट्रेन वेटी तो कर जगदलपुर जाओ ने ट्रेन भी तो हमें कोरापुट रु आसु छी। कोरापुट रु आसलु ऑटो भोडा करी के ऑटो रु इठु जिबु। केमिति जिबो तमे कसागुमडा पई बाटो कोन केतलु पहुचलोनी जयपुर बस स्टैंड? जयपुर हेलाणी गुडा घंटा टे हेलाणी थी अपेक्षा करछ। हां बापा को टिकट की नउछ? आज्ञा। कोन को स्टेज अछि? आज्ञा बापांकर कौन है वर्तमान? बाबा को केमो दिया है जे जो तांकर ऑपरेशन है थेला उत्कल हॉस्पिटल रे। कौन है थेला बापांकर काई ऑपरेशन? तो तांकर ट्यूमर है थे, तो कैंसर फर्स्ट स्टेज। हां ट्यूमर है जे तांकर, तो कैंसर है जे केमो चले जे। सप्ताह को थरे जाउ छ हमें भुवनेश्वर। आपन पखरे जीवा पे साधन नहीं, झियो कहिला घरु बुलेर आसीबो। आपन एमिति जाईथिले केते पैसा पड़ी थांता? ए बुलेर गले केते पैसा खर्च? एबे 2-3 हजार लागबो बोलेरो। बस जाइले 100 टकर कटपाड़ पहुँची था। आर बाइक रे भी जाइ था। ब्रह्मपुर रु मध्य आसी समान दुर्दशार चित्र। बस बंद को नहीं लोके नाही नथिबा समस्यार सम्मुखीन होउछंती। बस धर्मघट पाई सुंदरगढ़ हेउ कि रायगढ़ कि राज्यर अन्य अंचल सबुठी बंद रही घरोइ बस देबा। बस स्टैंड रे मध्य अटकी रही बस। निज गंतव्य स्थल को जिबा पाई लोके अपेक्षा करी रहिछंती। दूर दूरांतरु आसुथिबा व्यक्ति मध्य नाना असुविधार सम्मुखीन होइछंती। घर को जिबाकु बस न मिलिबारु बाध्य होइ टैक्सी करी घर को फेरुछंती। दुई गुण अधिका भड़ा देबाकु पड़ुछि। आज धर्मघट पई आमर आउ 5000 बे खर्च होछि। होछि कि नै? केतरे जाइ जान्दे बस जाइथिले एबे कुन टैक्सी भाडा करले केतरे मार जाउछ? एबे 5000 आमे अधिक खर्च होछि। टैक्सी भाडा करतले आमे बालसंग्रा पर जाइतु, सेटु आमर गाडी थिला, आमे घर को पहुंची जाइ छन्दु। केउठी घर को जिबा पई छात्र छात्री हैरान हेउछन्ती, त आउ केउठी रोगी घर को फेरिबा पई गाडी भाडा करी अधिक टंका देबा को बाध्य हेउछन्ती। रास्ता उपरे भी यात्री बस पई अपेक्षा करितवार देखिबा पई मिलिछि। राज्य सरकार आलोचना विफल होगा पर अनिर्दिष्ट काल धर्मघट डाकरा देछि घरोई बस मालिक संघ। लक्ष्मी योजना नहीं सरकार जो प्रतिश्रुति देइथिले ताकु पालन करिनथिबा संघ अभियोग करिछि। काई कि जिद्द मनोवृत्ति रखाइछि, आमे तो आमे 50% पछुक आसिले से मध्य 50% पछुक आसिबा कथा। ए विषय बसिले आलोचना समाधान हेइजिवो। गोटे चिठी पई एत समय अटकवा कि आमे बैंक लोन चाहूनु कि टंका देबा कहूनु गोटे मिनिट रे समाधान हो पड़ता आपको जिदायदीयपूर्ण नुहे। आम एवं चाहूँ समाधान हो जाऊ, 5 मिनट भितर समाधान हेल्ले बस चलाचल स्वाभाविक हो। घर बस चलु नथिबारु सरकारी बस एकमात्र विकल्प साजिछि। सेथिपाई सरकारी बस रे मध्य प्रबल भिड़ देखा मिली। बस रे सीट नथिबारु छिड़ा हो जिबाकु बाध्य होउछन्ति यात्री। रेल स्टेशन रे मध्य नाही नथिबा भिड़। क्षमता ठारु 3 गुण यात्री बगी भितरे थिबा बेले स्टेशन रे सह सह लोक गंतव्य स्थल को जिबा पई अपेक्षा करिछंती। बस बंद जोगु सारा राज्य रे स्थिति असंभाल होईछि। ब्युरो रिपोर्ट कनक न्यूज।
ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଧର୍ମଘଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଚିତ୍ର ଆସିବା ପରେ ରାଜନୀତି ତେଜିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ ବି ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ସେପଟେ ଏହାର ଜବାବ ରଖି ବିଜେଡି କହିଛି ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍ ଚଲାଉଥିଲେ ସରକାର ଯାହାଠୁ ଟିକସ ବି ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା, ସେ ତ ମନମୁଖୀ କିଏ ଚଲାଉନଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିକୁ ପରଖି ଏବଂ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, କେତେ ଚାଲିପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କମିଟମେଣ୍ଟ କଲ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକରି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚାଲିବାର ଅଛି। ଏବଂ ପୂଜା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ଚିନ୍ତାରେ ଅଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକେ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଲୋକେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ହତଶବ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି, ପୂଜାରେ ଛୁଟି ପାଇକରି ଘରକୁ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦାର ବିଷୟ। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବସ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କଲା ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇଦେବା। ଆମ ସରକାର ତ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଯିବା କଥା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହୁଏ, ଆଉ କ'ଣ ଏଭଳି ଏଇ ସମୟରେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ମୋ ମତରେ ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବସ୍ ଚାଲିଛି। ଧର୍ମଘଟକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱରର ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ସଂଘ ଧର୍ମଘଟକୁ ବିରୋଧ କରି ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଧର୍ମଘଟକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ସମୟରେ ବସ୍ ଚାଲିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି। ବନ୍ଦ ଭିତରେ ଗଡ଼ିଲା ବସ୍, ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଧର୍ମଘଟ ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଗଡ଼ିଛି ବସ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବସ୍ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ଧର୍ମଘଟ ଭିତରେ ବସ୍ ଚାଲିବାରୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି। କିଛି କିଛି ବସ୍ ଯାଉଛି, ଯିବା ଆସିବା ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ଆଉ ବସ୍ ତ ଦୁଇଟା ବସ୍ ଯାଇଛି, ସୁନାମୀ ଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆର୍ୟନ ବସ୍ ଦୁଇଟା ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ଗାଁକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ତ ସେଇପାଇଁ ସକାଳେ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ, ଶୁଣିଲୁ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ବସ୍ ଚାଲୁଛି, ତ ସେଇପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା ଆମକୁ, ଆଉ ନଥିଲେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବାକୁ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ଯିବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା କି ନଥାନ୍ତା। ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବସ୍ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା ସେଇଟା। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଧର୍ମଘଟକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଛି। ଧର୍ମଘଟକୁ ବିରୋଧ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିଛନ୍ତି। ପାର୍ବଣରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସଂଘ ଅଧୀନରେ ଥିବା 140 ଘରୋଇ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଧର୍ମଘଟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ସଂଘ ଅଧୀନରେ ଥିବା 250 ବସ୍ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଧର୍ମଘଟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଉନୁ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସକାଳୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ସବୁ ମାଲିକମାନେ ରହି ବସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା, କଲିକତା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ ଆମର ଏଠୁ ଯାଇଛି। ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ସବୁ ବସ୍ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ କଥା ହେଇଛି ଏବଂ ଆମର ପେଟ ପାଟଣା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବସ୍ ମାଲିକ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ, ତେଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର ସମସ୍ତେ ବସ୍ ମାଲିକ, ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବସ୍ ମାଲିକ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ 75 ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘ ଅଛି। 75 ସଂଘରୁ ଯେଉଁ ସଂଘଟି କହୁଛି ସିଏ ଆମ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଫିଲେଟେଡ଼୍ ନୁହେଁ, ସିଏ ମେନ୍ ସଂଘ ଯିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ସଂଘ ତା ସହିତ ଥିଲା, ସେ ତା ସେ ସଂଘରୁ ବାହାରି ଯାଇକି ସେମାନେ 7-8 ଜଣ ମାଲିକ ଗୋଟେ ସଂଘ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥର ମିଟିଂ ହୁଏ ଜେନେରାଲ ବଡ଼ି, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କଲାପରେ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିନୁ। ବରମୁଣ୍ଡାରୁ ଗଡ଼ିଲା ଘରୋଇ ବସ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନୟାଗଡ଼ ଗଲେ ଯାତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ବସ୍ ନୟାଗଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନାମକ ବସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲା ବାହାରିଛି।
पूजा समय बस बंद करिबा ठीक नुहे बोली गाड़ी रो ड्राइवर और स्टाफ कहिछति। बालेश्वर कैमरा पर्सन चित्तरंजन सुमना परिडा, भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सुरेश प्रभात अनुज दास और मनीषा दास को रिपोर्ट कनक न्यूज। गोटे पटे सारा राज्य में लक्ष्मी बस को विरोध कर धर्मघट चली बद भितर राज्य सरकार आज गजपति जिले में लक्ष्मी बस शुभारंभ कर वर्चुआल माध्यम से मुख्यमंत्री गजपति में लक्ष्मी बस योजना को उद्घाटन करारलाखेमुंडी में होता कार्यक्रम में राज्य परिवहन मंत्री टुकुनी साहू उपस्थित थे। प्रथम पर्यायर जिला को मोट 36 बस जोगाई सरकार जिलार 7 ब्लक्र उपात पंचायतगुड़िक ब्लक सदर महकुमा को यह बस गढ़ जातायातर सुविधा पाए ग्रामांचल जनसाधारण यहा पूर्व मलकानगि जिले में लक्ष्मी बस गढ़ी सीएमओ रोड डिस्ट्रिक्ट विजिट रु आपको कम्युनिकेशन रो और सुविधा संपर्क जानी तापर आमर यही लक्ष्मी योजना आरंभ हैला यही योजना रे पंचायत रु ब्लॉक को बस चलो यही योजना आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रे रूपांतर आनबो गाँ को गाँ सहित तो जोड़ लोक सामाजिक संपर्क मजबूत हेब आमर अर्थनीति मजबूत दशहरा मजा को फिका करदेपे वर्षा बंगोपसगर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि परे पूजा बजार को घारी वर्षार भय आसंता 22 तारीख बेले अधिक घनीभूत हो अवपातर रूप नहीं पारे यार प्रभाव में अक्टोबर 23 रु राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा आरंभ हो 24 तारीख में राज्यर 8 जिले में वर्षा नहीं संभावना रही तेणु एथर दशहरा मजा वर्षा धोईजार संभावना रही। बाईस रे नेबो अवपातर रूप 23 रु राज्य वर्षा दक्षिण पश्चिम और संलग्न दक्षिण पूर्व बंगोपसगर में सृष्टि होइछि लघुचाप क्षेत्र एबे एही क्षेत्र टी सही अंचल रे सक्रिय रहिछि तबे 22 तारीख बेलकु पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर अंचल रे अधिक घनीभूत हो अवपात रे परिणत होबार संभावना रहिछि। यहा प्रथमे 22 तारीख सकाळ पर्यंत पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगकु गति करिबा परे गतिपथ बदलाई धीरे धीरे उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे बांग्लादेश उपकूल आड़कु गति करिबार संभावना रहितिबा आकलन करिछि भारतीय पाणिपाक विभाग। हमारा बारिश का जो फोरकास्ट है अभी अगला 3 दिन में तो बारिश ड्राई रहेगा सभी जगह में उड़ीसा में मोस्टली ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। फिर 23 में कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम बारिश और एडजॉइनिंग इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट जैसा केवंझार मयूरभंज जंगुल धेमकेनाल कंधमाल रायगढ़ कोरापुट मलकानगिरि इसमें एक दो जगह करके हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है। पाणिपाग विभाग आकलन अनुसार 22 पर्यंत राज्य में पाग सुखिला रहिबो किंतु अक्टोबर 23 रु लघुचाप प्रभाव में वर्षा आरंभ हेबो 24 तारीख में केन्दुझर मयूरभंज अनुगुल ढेंकानाल कंधमाल रायगढ़ कोरापुट मलकानगिरि जिले में वर्षा होबार संभावना रही 25 तारीख में उपकूल ओडिशार केतेक जिला समेत केन्दुझर मयूरभंज अनुगुल ढेंकानाल जिले में वर्षा होबार संभावना रही 24th में भी हमारा कोस्टल ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश का पॉसिबिलिटी है। एडजॉइनिंग इंटीरियर का कुछ डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ स्थानों पर बाकी डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में बारिश हो सकता है। पूजा समय वर्षा आशंका थिबारु साधारण लोकों समेत पूजा कमिटी माने चिंता रे पड़िछंती वर्ष को गोटे चाहिए रही था वर्ष रोटे भल पर्व वर्ष को थे आसो माँ फेर गोटे एत बड़ पर्व आ सब किणाकि सब सरी सब एरेजमेंट सब होती वर्षाटा गोटे बहुत बड़े मानने खराब लगुच वर्षाटा मनटा गोटे दुख दे तेज वर्षार प्रभाव कौन रे संपर्क में स्पष्ट सूचना देनी पाणिपाग विभाग। कैमरा पर्सन संजय और प्रभात भुवनेश्वर स्तुतिरंजन प्रधान और मनीषा दास की रिपोर्ट कनक न्यूज।
रत्नभंडार खोलिबा संपर्क में गजपति महाराज विज्ञप्ति को नहीं बयानबाजी तेजी 2024 रथयात्रा बेल समय ही रत्नभंडार खोल जापारे गजपति प्रेस रिलीज जारी करते जहाँ नहीं विरोधी और शासक मुहांमुही होती राज्य बीजेपी रथयात्रा जाए कहीं अपेक्षा करने को पड़ो प्रश्न कांग्रेस कहि आगक निर्वाचन थी भयभीत हो यह पदक्षेप नि विरोधी अभियोगर जवाब रखी बीजेडी ২০২৪ রথযাত্রা সময় খুলব রত্নভণ্ডার প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ কলে গজপতি মহারাজ শ্রীমন্দির রত্নভণ্ডার খোলা হওয়া রাজনীতি ভিন্ন মোড় নিয়েছে যেত শ্রীমন্দির পরিচালনা কমিটি অধ্যক্ষ গজপতি মহারাজ প্রেস বিজ্ঞপ্তি স্পষ্ট করেছেন যে ২০২৪ রথযাত্রা সময় হি রত্নভণ্ডার খোলা যাইপার এ হচ্ছে গজপতি দিব্যসিংহ দেব জারি করে প্রেস বিজ্ঞপ্তি এতে উল্লেখ রয়েছে 2024 ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଓ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ ଗଚ୍ଛିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗଣତି ଓ ମଣତି କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ପରେ ବୁଧବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି ଟିମ୍ ସେହିପରି କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ଏକ ରାଲି କରି ସମାନ ଧରଣର ଦାବି ଉଠାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବିଶାଳ ରାଲି କରି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଓ ତୁରନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଏବେ ଗଜପତିଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପରେ ପୁଣି ତେଜିଛି ବୟାନବାଜି ମହାମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଓ ଶାସକ ଦଳ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ସେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସବୁଦିନିଆ ବ୍ୟବହୃତ ଅଳଙ୍କାର ନୁହେଁ ତେଣୁକରି ତାକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲିବା କାହିଁକି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଧୂଳିସାତ କରିଦେବେ ଧୂଳି ଚଟେଇଦେବେ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ମନସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଜିନିଷ ସେଥିରେ ନାହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଖୋଲାଯିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ହେବ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଗଣତି କରିପାରିବେ ଯେଉଁ କ୍ଲିନ୍ ନିଆଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ବଡ଼ଦେଉଳରେ ନଥିବେ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ତା ସହିତ ଆମେ ଏକମତ ନୁହଁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆର ବର୍ଷ ସରକାର କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେ ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଭଲ ନାହିଁ ବିଜେପି କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଥା ସେ କଥା କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବି ବିଜେପି ସେ କଥା କହିପାରିବୁ ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ରଥଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରାଯିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଆଭୂଷଣ ନଥିବା ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବିଭ୍ରାଟ ହେଲେ ସରକାର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କହିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠିକ୍ ନାହିଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ ଗଜପତିଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପରେ ରାଜନୀତି କରାନଯାଉ ବୋଲି ମତ ରଖିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶଙ୍କର ଓ ବିନୟଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟଜିତ ସିହ୍ନା ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ଦେବାଶିଷ ସାସମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍